आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और उससे संबंधित स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम ट्रीटमेंट्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में पाया जाता है और ये लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। आजकल काफ़ी यंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग यंग एज गर्ल्स में भी PCOS को देखा जाता है। इसेंशियली PCOS एक जेनेटिकली कॉम्प्लिकेटेड एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसकी एटियोलॉजी या कारण अनसर्टेन है और पैथोफिजियोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस कंडीशन में महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन या एंड्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और उनकी ओवरीज में भी एक से अधिक सिस्ट होने लगते हैं। हालांकि यह एक मेडिकल कंडीशन है लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स या अनहेल्दी डाइट को इसका मुख्य कारण आजकल माना जाता है। अब जब हमने जान लिया है कि PCOS क्या होता है, आइए अब इसके लक्षणों को समझते हैं। ज़्यादातर लोग PCOS के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या कंसेप्शन में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ज़्यादातर लोग PCOS के बारे में जानते हैं। लेकिन काफ़ी लोग इसके त्वचा रिलेटेड या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से अनजान होते हैं, तो आज हम बात करेंगे PCOS में होने वाले स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक्ने। एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है जो PCOS में काफ़ी कॉमनली मिलती है। PCOS में होने वाले एक्ने यूजुअली आपके चिन पे, आपके जॉ लाइन पे, नेक पे, बैक या चेस्ट पर मिलते हैं। जब ये मुहासे या एक्ने PCOS में होते हैं तो पेशेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि ये एक्ने एग्जैजरेट हो जाते हैं उनके पीरियड्स जब आने वाले होते हैं उस दौरान। इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि ये एक्ने जाने में समय लगाते हैं, जल्दी से ट्रीट नहीं होते हैं और काफ़ी गहरे और पस फिल्ड नोड्यूलर एक्ने आते हैं। एक्ने एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो कि PCOS से रिलेटेड है। इसका दूसरा सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव अनवांटेड बॉडी हेयर, जिसका मतलब है कि शरीर के उन हिस्सों में जहाँ पर कि बिल्कुल कम या मिनिमल बाल होते हैं उन हिस्सों में भी बाल आने लगते हैं, जैसे कि मेन में होता है तो फीमेल्स में फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, उनके चिन पे, अपर लिप पे, साइड बर्न्स पे एक्सेसिव हेयर आने लगते हैं, नेक पे हेयर आने लगते हैं। तीसरा सिम्टम जो देखने को मिलता है वो है एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग हेयर फॉल एज वेल एज अ मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेन की तरह दिखने वाला हेयर लॉस पैटर्न फीमेल्स में देखने को मिलने लगता है। ये सारे सिम्टम्स इस वजह से होते हैं क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो मेल हार्मोन का लेवल है, जिसको हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। सो अगेन, एक्ने हो या हिर्सुटिज्म हो या फिर आपका एलोपेशिया या हेयर फॉल हो, ये तीनों एक्सेसिव मेल हार्मोन के लेवल के बढ़ने की वजह से होते हैं। एक चौथा सिम्टम भी कभी कभी देखने को मिलता है जिसको कि हम एकैंथोसिस नाइग्रेकन्स कहते हैं। एकैंथोसिस नाइग्रेकन्स एक ऐसा स्किन कंडीशन है जो बॉडी के सिल्वटों या फोल्ड्स में देखने को मिलता है। ये एक थिक वेलवेटी टेक्सचर की तरह अपीयर होता है। यूजुअली ये आपके नेक या नेप ऑफ द नेक पर देखने को मिलता है, अंडर आर्म्स एरिया में या फिर थाइस पे भी देखने को या जांघों पर देखने को मिलता है। कई बार इन डैमेज्ड एरियाज में खुजली भी हो सकती है, बदबू आने लगती है या स्किन टैग्स या मस्से भी आ सकते हैं। अक्सर महिलाएं PCOS से रिलेटेड इन स्किन सिम्टम्स के बारे में अनअवेयर होती हैं और जब उनको एक्ने या एक्सेसिव बॉडी हेयर आने लगता है या हेयर फॉल होने लगता है, वो इसके दूसरे इलाज ढूंढने लगती हैं। बट आज की इस जानकारी के बाद आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक्ने, हिर्सुटिज्म, एकैंथोसिस नाइग्रेकन्स या हेयर फॉल से जूझ रहे हैं और आप अवेयर नहीं हैं कि क्या ये PCOS से रिलेटेड हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि हो सकता है आपके ये सिम्टम्स PCOS की वजह से हो एंड यू नीड मेडिकल अटेंशन फॉर इट। PCOS से रिलेटेड सिम्टम्स को समझने के बाद अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर PCOS इज लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन। कोई भी पेशेंट अगर PCOS के स्किन सिम्टम्स के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं तो हमारी पहली सलाह उनसे यही होती है कि वो अपने डाइट और लाइफस्टाइल में हेल्दी मॉडिफिकेशंस करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 15 से 20 मिनट वो अपने एक्सरसाइज के लिए निकालें,
डेली एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक संतुलित आहार या एक बैलेंस्ड डाइट को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। एक बैलेंस्ड या हेल्दी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन फूड्स खाएं और अवॉइड करें रिफाइंड शुगर्स जो कि आपके केक्स, कुकीज़ या कैंडीज में मिलती हैं, या फिर बाहर का खाना खाना भी अवॉइड करें। डेली एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से ना ही केवल आपका वज़न कम होगा बट आपका इंसुलिन लेवल भी संतुलित रहेगा। एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी स्लीप पैटर्न मेंटेन रखें, यानी कि सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें एंड हैव एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ गुड स्लीप। ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्राई टू डू सम अमाउंट ऑफ मेडिटेशन, योगा, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके। ये तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए जिसके बारे में हमने बात की है, लेकिन जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो हो सकता है वो कुछ और ट्रीटमेंट्स भी आपको रेकमेंड करें। इनमें से शामिल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि आपके एक्ने और हिर्सुटिज्म प्लस आपके हेयर फॉल में मदद करते हैं। इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन रहता है जो कि आपके मेल एंड्रोजन हार्मोन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा एक्सेसिव या अत्यधिक बालों के लिए लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट या लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट्स भी आपको रेकमेंड किया जा सकता है, और हेयर फॉल और हेयर लॉस के लिए कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस या शैम्पूज भी आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकते हैं। एक्ने और पिगमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज के लिए हो सकता है वो आपको कुछ केमिकल पील्स या लेज़र ट्रीटमेंट्स रेकमेंड करें, बट कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर होना चाहिए आफ्टर यू बीन थरोली एग्जामिन्ड एंड करेक्टली डायग्नोस्ड विद PCOS। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप भी इन सिम्टम्स से सफर कर रहे हैं जैसे कि एक्ने, हिर्सुटिज्म या एक्सेसिव हेयर फॉल, तो आज ही आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें ताकि PCOS को हम डायग्नोज कर सकें या फिर रूल आउट कर सकें। इस डायग्नोसिस के बाद आप अपने एस्थेटिक फिजिशियन या सर्जन से मिल सकते हैं बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए। सो आई होप यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर हेल्थ। सो माय मैसेज इज़ टू ऑल दोज वुमेन आउट देयर, प्लीज़ आप अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें और इन सिम्टम्स के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।